जल ही जीवन है या जल से ही जीवन है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सुबह उठकर पीने के लिए बताया जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, टीवी, आर्टिकल्स या फिर यूट्यूब या सोशल मीडिया में आपने देखा ही होगा कि 1 से 1.5 लीटर पानी सुबह उठकर पीने को बताते हैं या 4 से 5 गिलास पानी सुबह उठकर पीने को बताया जाता है। 1 से 1.5 लीटर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे कहा जाता है कि ये किडनी को डिटॉक्सिफिकेशन, किडनी को स्वस्थ रखता है, साथ में स्किन ग्लो, पेट को साफ करता है। ये सभी जो फ़ायदे उषा पान के बताए जाते हैं ये थोड़े से गलत हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। देखिए, 2 प्रकार की प्यास होती है। 1 प्रकार की प्यास जो होती है जिसमें कि आपको गला सूखता है, साथ में आपको प्यास लगती है, मूर्छा होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थकान लगता है, उस प्यास को जो है अगर आप थोड़ा शीतल पानी अगर पीते हैं तो उससे आपकी प्यास ख़त्म हो जाती है। और दूसरे प्रकार की जो प्यास होती है वो होती है व्याधि के वजह से, व्याधि या रोग के वजह से, जैसे कि डायबिटीज़ में। ठीक है, हमारे जो आयुर्वेद आचार्य हैं जैसे कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इन्होंने अपने दिनचर्या अध्याय में इसका वर्णन, उषा पान का कहीं भी वर्णन नहीं किया है, लेकिन योग रत्नाकर या राजनिघंटु इन्होंने बताया है कि जिन जिन लोगों का पंचकर्मा से चिकित्सा हुआ है उन लोगों को, या पंचकर्मा की शुद्धि हुई है उन लोगों को उषा पान करने के लिए या सुबह उठकर पानी पीने के लिए उनके लिए बताया गया है। बहुत से जगहों पे ये भी बताया जाता है कि सुबह उठकर जो मुख की लार है उसके साथ ही पानी पी लेना चाहिए, जो कि है। तो देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरे रात का जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होता है हमारे में, या फिर जो टूथ कैविटीज़ हैं उसके वजह से, वो सब जितनी भी बीमारियां हैं वो सब हमारे अंदर चली जाएंगी पानी पीने के वजह से, तो उससे आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या पाचन समस्या हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी ना कर। आयुर्वेद में जठराग्नि को ही सब कुछ माना गया है, जठराग्नि से ही सब कुछ बताया गया है। अगर हम सुबह सुबह ही अगर हम 4 से 5 गिलास पानी पीते हैं तो जठराग्नि हमारी मध्यम होती जाती है या लो होती जाती है। बहुत से लोग पेट साफ करने के लिए उषा पान का प्रयोग करते हैं, सुबह उठकर पानी पीते हैं, लेकिन यह कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर वे में करते हैं तो ये आपके पाचन सिस्टम के को ख़राब करता है। बहुत से लोग किडनी को स्वस्थ रखने के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अपने बॉडी के, उसके लिए भी बहुत सारा पानी पीने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें सोचें कि जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर खुद मना करते हैं कि आपको कम से कम पानी पीना है, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही किडनी को वर्क प्रोसेस बढ़ेगा, और जब किडनी पे प्रोसेस वर्क लोड बढ़ेगा तो उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर जो आयन्स हैं, सोडियम, पोटेशियम आदि, उनका भी हमारे बॉडी से एलिमिनेट होते हैं ज़्यादा पानी से। इसके वजह से हमारे शरीर में एडिमा देखा जाता है। सुबह उठने पर अगर आपको प्यास लगती ही है तो आप 1 गिलास पानी हल्का गर्म या गुनगुना करके पी सकते हैं। उसमें अगर आप गुनगुना कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं तो उसमें आप तुलसी, धनिया, लौंग आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जब आप जल पी रहे हैं तो उसे घूंट घूंट करके पिएं, एक बार में पूरा पीने की कोशिश ना करें। साथ ही प्यास है पर पानी नहीं पी रहे हैं, या प्यास नहीं है और पानी ज़्यादा पी रहे हैं, ये दोनों ही गलत है। जितनी प्यास हो उतना ही पानी पिएं।